अब अपने इसको ग्राफीय विधि से हल करना है कि तीसरा सवाल है रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपण रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं। तो अपने ग्राफीय विधि आलेखीय विधि में हल करना है तो इन दोनों को आगे ले जाना पड़ेगा, 2x बराबर ये आगे गया प्लस का 5y, ये आगे गया माइनस का 4, एक्स बराबर 5y माइनस 4 बटा में 2। अब इसके अंदर अपने को y का मान रखना है, ये x ये y। अब अपने y का कितना मान रखें कि ये जुड़ने और घटने पर 2 का भाग चला जाए। मैं y का मान 2 रख देता हूँ, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 गुणा 2 माइनस 4 बटे 2, 10 माइनस 4 बटे 2 6 बटे 2, 3 दूनी 6, 2 रखा इसका आ गया 3। अब अपने दूसरा मान क्या रखें, मैं माइनस 2 रख देता हूँ, 5 गुणा माइनस 2 और माइनस 4 बटा में 2, एक्स बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 बटा में 2, एक्स बराबर माइनस 10 और माइनस 4 बटे 2 माइनस 14 बटे 2, 7 दूनी 14, माइनस 2 रखा तो माइनस का 7 आ गया। अब तीसरा मान अपने को रखना है, कितना भी मान रखो इसका 2 का भाग जाना चाहिए। अब y बराबर मैं 4 रख देता हूँ, x बराबर 5 गुणा 4 माइनस 4 बटा में 2, 5 का 20 माइनस 4 बटा में 2, 16 बटे 2 8, 4 रखा तो s का मान आ गया 8। इस प्रकार अपना एक समीकरण पूरा हो गया। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं अपने। दूसरे समीकरण देखिए, 2x इन दोनों को आगे ले जाना है, ये माइनस का y और ये माइनस का 8। यहां देखो 2 है, 2 को इनके बटा में ले जाएंगे 2। अब y का मैं कितना मान रखूं कि इसको जुड़ने या घटने पर 2 का भाग चला जाए, तो मैं y का मान 2 रख देता हूं, 2 रखने पर, यहां लिखेंगे 2 रखने पर, तो x 1 गुणा 2 माइनस 8 बटा में 2, माइनस 2 माइनस 8 बटा में 2, माइनस के 10 बटा में 2, एन दूनी 5 दूनी 10, माइनस का 5, या मैं सारणी बना लेता हूँ इसे, x और y का 2 रखा तो इसका आ गया माइनस का 5। अब मैं y का मान माइनस 2 रख देता हूँ, माइनस 1 यानी y बराबर माइनस 2 रखने पर, माइनस 1 गुणा माइनस 2 कोष्टक में दे दो इसको, बटा में माइनस 8 बटा में 2, माइनस माइनस है प्लस के 2, माइनस 8 बटा में 2, माइनस 6 बटा में 2, 3 दूनी 6। अब अपने इसका मान रखा माइनस 2 तो इसका आ गया माइनस 3। अब y का मान 4 रख दूं, x बराबर 1 गुणा 4 माइनस 8 बटा में 2, 4 एकम 4 माइनस 8 बटा में 2, माइनस 12 बटा में 2, 6 दूनी 12, माइनस के 6, 4 रखेंगे तो माइनस के 6। अब अपने को इसको ग्राफ विधि में एक जगह हल करेंगे अपने
सभी सवाल कर लेते हैं, उसके बाद एक जगह आपको सभी ग्राफ विधि बता दी जाएगी।